हाय गाइस व्हाट्सअप थी सुभाष भट्टाचार्य उस शुवो टीवी। आज आपको मैं शाहरुख खान जी की हैंड एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो फ्री नोटिफिकेशन आप पे चल जाएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलना, ये भी बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों वे शुरू करते हैं। किंग खान शाहरुख खान, इनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, अब सभी को इनके बारे में पता है, इंट्रोडक्शन इतने देने की मुझे ज़रूरत नहीं। इनके लाइफ में क्या थे और क्या बन गए, कैसे बने, मैं हर चीज़ आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो देखना पड़ता है किसी के हैंड एनालाइज करने से, हैंड का टाइप। अगर मैं यहाँ पर हैंड का टाइप जज करूँगा, ये पूरा स्क्वायर है और अनामिका के फिंगर जो लेंथ है इससे छोटा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, अर्थ टाइप। अर्थ टाइप क्या है दोस्तों, जो पृथ्वी टाइप के लोग होते हैं ये किसी भी काम को पकड़ लेने के बाद उसे छोड़ते नहीं, अंत तक रहना। अगर फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, बिजनेस करना है, तो उसे पकड़ के रहना ही है। मतलब इतना साल हो गया इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं गए, क्यों, क्योंकि अर्थ टाइप है जो सबसे ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है दोस्तों, फिंगर की चौड़ाई। जो हमें फिंगर की चौड़ाई देखा दोस्तों, ये मोटी है, क्या एक क्या शो करता है दोस्तों, एनर्जी। इनके अंदर कितनी एनर्जी है, इनके अंदर भरपूर एनर्जी है, जिसके कारण ये सोते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी जो देखना पड़ता है हम लोगों को, फिंगर की लेंथ, सॉरी अनामिका फिंगर जुपिटर फिंगर से ज़्यादा लंबा है, लेकिन जुपिटर फिंगर भी छोटा नहीं है दोस्तों। जब अनामिका फिंगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है दोस्तों, इस बंदे के अंदर रिस्क टेकिंग क्वालिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहती है। आपको पता है रिस्क टेकिंग क्वालिटी अगर मैं बात करूँगा, एक फिल्म में बहुत ही ऊँची बिल्डिंग से कूद गए थे जिसके कारण इनको चोट भी लगी, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी इनमें रहता है। और उसके साथ जब जुपिटर ज़्यादा पेस ज़्यादा लंबा होता है, इसके कारण इनके अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी। ये खुद एक बिजनेसमैन है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ बिजनेसमैन भी है, इसके कारण लीडरशिप क्षमता इनको चाहिए चाहिए। इसके बाद देखना पड़ता है दोस्तों मर्करी फिंगर, मर्करी फिंगर भी लंबा है, जिसके कारण ये बहुत ही कम्युनिकेशन में बहुत ही बढ़िया होंगे, और अपने दिल में जो बात है वो कभी छुपाएंगे नहीं, हर बात को एक अलग अंदाज में कहना इनकी खासियत होगी। इसके बाद अगर हम माउंट की प्लेसमेंट देखें दोस्तों, तो माउंट में ऑलमोस्ट जो सनी माउंट है वो ज़्यादा एरिया लिया है सबसे ज़्यादा। क्यों दोस्तों, सनी माउंट जब ज़्यादा एरिया ले होता है तब क्या होता है, जो रिस्टिंग क्वालिटी और जो नेतृत्व समर्थ है इसको बैलेंस कर लेता है, मतलब बंदे के अंदर बैलेंसिंग पावर भी रहता है। इसके साथ साथ हमें देखना पड़ता है जो फिंगर के बीच में आप लोग गैप देख सकते हैं, एक गैप क्या शो करता है दोस्तों, जिद्दीपन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दीपन है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको, तो आप लोग देखेंगे मर्करी को बहुत जगह मिल रही है, जुपिटर को तो बहुत ही जगह मिल रही है, और सन माउंट मतलब हर एक माउंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा एरिया है, जिसके कारण जुपिटर की लीडरशिप क्वालिटी, सनी माउंट की सारी क्वालिटी इनके अंदर आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं इनके हाथ में जो सबसे ज़रूरी है, जो इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है वो कहाँ पर दोस्तों, कॉर करने की बात यहीं पर आता है दोस्तों, वो इस एरिया से स्टार्ट हो रही है, एकदम पास है जुपिटर माउंट के। तो दोस्तों ये क्या शो करते हैं, लाइफ में मेजर इवेंट जो सक्सेस मिलेगा वो तो समहाउ जुपिटर की महादशा में मिलेगी, और फिर जुपिटर की महादशा या फिर जुपिटर समहाउ इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात होगी महादशा या अंतर्दशा में, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसे, जुपिटर की महादशा 16 साल चलती है आम ज़िंदगी में, और इनकी ज़िंदगी में जब 91 के बीच जो साल था उसके साथ जो 16 साल आप ऐड कर लीजिए, उतना साल इनके लाइफ में सबसे बढ़िया लाइफ की सक्सेस रही। इनके हर फिल्म में हिट से हिट, हिट के बीच हिट, चाहे वो डी जी एल जे कह लीजिए, चाहे वो बीजारा कह लीजिए, हर फिल्म में इनको हिट मिला है, बिकॉज इनकी जुपिटर की महादशा से ये बहुत ही पास है। दूसरा चीज़, जब इनको लाइफ में हिट मिले जिसके कारण इनको लाइफस्टाइल में चेंज हुआ, कैसे पता चलेगा दोस्तों, अगर आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर जो जीवन रेखा है वो शुरुआत यहाँ से हुई, फिर यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके अंदर क्या शो करते हैं दोस्तों, लाइफस्टाइल की चेंज। समहाउ इनके लाइफ में हिट मिला है, पैसा आया है, इनकम ज़्यादा हुई है, जिसके कारण लाइफस्टाइल की इनकी चेंज शो कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, जो
जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ चल रही है, मतलब लाइफ में शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, थोड़ा पेट की प्रॉब्लम, परिवार के लिए थोड़ा सा रिलेटिव प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर रहा है दोस्तों, ये इनकी लाइफ में रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर माइन लाइन है वो बिल्कुल सीधा है दोस्तों, सीधा, जिसके दौरान लाइफ में इनको जो क्वालिटी रहेगा दोस्तों, ये चीज़ आपको गौर करनी, ये कैलकुलेटेड पर्सनैलिटी है, जो काम करेंगे तो सीधे दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है दोस्तों, जिसके कारण डायलॉग डिलीवरी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग में हर डायलॉग को सोच लेना, उसके अलग तरीके से बोलना, अलग अंदाज से हर बात में ठीक बात को ठीक तरीके से करना, कैलकुलेटिव, ये बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप लोग गौर करेंगे जो हार्ड लाइन है वो समाओ ऐसे जाकर थोड़ा सा बिजनेस सिंबल बना रही है, जो क्या शो करता है दोस्तों यहाँ पर, तो क्या शो करता है दोस्तों, अगर इन्हें अपने लाइफ में जीवन में कभी भी गलत तरीके से पैसे अर्न करने की कोशिश करेंगे उतना ही पैसा बाहर निकल जाएगा, रहेगा नहीं, जो ये सही तरीके से काम करते हैं जिसकी वजह से पैसा इतना रहता है। और हार्ड लाइन ख़त्म हो रहा है जो शनिमा उनके बीच में, मतलब थोड़ी सी क्या कहे, थोड़ा सा बैलेंसिंग नेचर रहेगा, और समाव इसकी जिस इंसान से भी जुड़ेंगे हाँ वो फिनांस के माध्यम से जुड़ेंगे, मतलब उनका मूल रख से होगा, इस मंदिर से मैं जुड़ा हूँ, मुझे समो इनसे पैसा अर्न करना है, और जो कि बहुत बढ़िया है एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए क्योंकि आपको पैसा अर्न करना, लेकिन गलत तरीके से क्योंकि बिजनेस सिंबल यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। और एक गौर करने की बात है यहाँ पर, जो राहु माउंट पर आप लोग तिल देख सकते हैं दोस्तों, राहु माउंट पर जब तिल होता है, राहु आज में धन इनकम करने की, धन साधना की, और राहु की वजह से सामा इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होगा, मतलब एक्टिंग करियर में, यानी कि एक राहु बहुत बढ़िया यहाँ पर रोल पेश करेगा, और इसके साथ जुपिटर इसके इनके जन्मपत्ति में अगर आप गौर करेंगे, अगर आपको कभी देखने को मिलेगा तो आप लोग गौर करेंगे, इनकी जन्मपत्ति से बकरी भी होंगे जुपिटर, और राहु दशम स्थान में भी हो, जिसके कारण राहु पर यहाँ पर एक तिल बन रहा है और आचमिक धन भी यहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको देखनी है दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखनी है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको जो शनि रेखा या फिर मनी लाइन, जो लाइन आप कहते हैं सैटर्न लाइन जो भी कहते हैं, वो रेखा यहाँ से जा रही है और जाने के बाद यहाँ पर गई, और एक रेखा यहाँ से ज्वाइन हो रही है दोस्तों, मतलब एक साथ जा रही है, और एक रेखा यहाँ से जाके ज्वाइन हो रही है दोस्तों। पहली बात, जब शुक्र से माउंट से कभी भी कोई भी रेखा जाती है, समाओ वो फैमिली के साथ रिलेशन रखना, फैमिली से थोड़ा सा इनकम मिलना, सपोर्ट मिलना, ये भी रहता है। और जब भी शनि रेखा शुक्र से कभी भी शनि रेखा जाती है, तब ये भी इंडिकेट करता है दोस्तों शुक्र से रिलेटेड इनकी इनकम होगी, सो फैशन वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड इनकी इनकम होगी, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी लाइफ तो एक्टर है बहुत बड़े, इसके कारण शुक्र से भी इनकी इनकम चली, और जो यहाँ पर जो लक लाइन चल रही है दोस्तों, लक लाइन वो जाके आपके साथ शनि रेखा से मिल रही है, एक क्या शो करता है दोस्तों, ये अगर आप लोग मेजर करेंगे ये चीज़, ये 24 साल की उम्र में हुई है या फिर 22 साल की उम्र में, अगर आप एज करेंगे इस रेखा को, तो इनकी लाइफ में जो फर्स्ट फिल्म थी शायद 24 या 22 साल में रिलीज हुई थी, उसके साथ साथ दोस्तों ये शो करता है बाहरी सपोर्ट, बाहरी भूमि से इनकम, माता से लगाव, समाओ फीमेल से ज़्यादा प्यार मिलना, आपको पता है तो लड़कियों के दिल की हार्ट है दोस्तों, जिसके कारण इनको इनकम बाहरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, और ये जो 24 साल की उम्र में जो इनकी लाइफ में आप हुआ है वो समाओ आप देखते हैं यहाँ पर जगह थोड़ा सा जुपिटर की तरफ भी मुड़ रहा है, जो जुपिटर के यहाँ पर खास प्रभाव रहा है, जिसके कारण 91 से जो जुपिटर की महादशा चली होगी शायद इनकी लाइफ में, वो मेजर इवेंट रोल प्ले करता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है जीवन रेखा जो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है दोस्तों, तो ये आई थिंक 35 या फिर 34 के बीच में होगी, जिसके कारण से जो इनकम हुई है उसके कारण लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है दोस्तों। अगर यहाँ पर गौर करने की और एक चीज़ है दोस्तों, जो मंगल है बाहरी मंगल वो ज़्यादा उभरा हुआ है, बाहरी मंगल
और बाहरी मंगल जब भी उभरा होता है दोस्तों, एक और तक शो करता है आपके मस्तिष्क को, मस्तिष्क की कॉन्फिडेंस को, अंतरात्मा की कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो सर आप लोग देखेंगे तो मून बहुत ही स्ट्रांग है, इसके कारण विदेश यात्रा, विदेश में घर, भूमि, वाहन ये भी खरीदने के इनको मौका मिलेगा। और जब भी मून स्ट्रांग होता है तो ये इंडिकेट करता समाओ आर्टिस्टिक क्वालिटी, पढ़ाई को, जो समाओ इस ये पढ़ाई लेट करते इनके लाइफ में इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री को। अगर आप लोग गौर करेंगे इनके हाथ में तो सबसे बड़ी है जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर सॉरी वीनस माउंट मतलब शुक्र मान, यहाँ पर कोई भी बुरा निशान अब तक मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसके कारण शुक्र से हरी लग्जरी इनकी लाइफ में मिली गई, कार, मकान, चाहे प्यार भी कह लीजिए इनके तो लव मैरिज भी हुई, जिसके कारण यहाँ पर आप माउंट का साइज देख सकते हैं कितना बढ़िया उभरा हुआ है। और यहाँ पर जो बुद्धा हाई आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बुद्धा हाई कह लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे नाम इनको बुद्धा हाई को कहते हैं तो मैं इसको बुद्धा हाई कहता हूँ। ये सामाओ सक्सेस को शो करता है दोस्तों, लाइफ में जो मेजर इवेंट के जो सक्सेस मिले हैं मिलेंगे अब मिलने वाले है ये शो करता है। और इनका अगर हम थंब देखेंगे दोस्तों जो थंब है वो बहुत ही मजबूत है, देखें बहुत ही मजबूत है। तो थम पूरा एक आपकी लाइफ के बहुत बड़ा चीज़ को शो करता है, कॉन्फिडेंस को, एक बात से ना मुकरने वाले को ये थम बहुत ही ज़्यादा शो करता है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर इनकी उंगली देखेंगे तो जब भी उंगली इस टाइप की होती है तब भी दोस्तों, जब भी उंगली इस टाइप की होती है ये शो करता है आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे बाहर जा रही है, कैसे अंदर आ रही है आपके हाथ में बाहर से एनर्जी, तो ये शो करता है। जब भी स्क्वायर स्पेक्लूटी चमचाकार उंगली होती है ये बहुत बढ़िया शो करता है कि इनकी हाथ से कैसे एनर्जी जा रही है, ये बहुत ही बढ़िया है इनके हाथ से एनर्जी जाने के लिए, बहुत बढ़िया सारे एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप लोग इनकी लाइफ में ऑलरेडी मेरे पास जो पिक्चर मुझे मिला है दोस्तों यही है कि इससे बढ़िया मुझे पिक्चर नहीं मिला। यहाँ पर जो समथिंग एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ, समाओ यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में जो यहाँ पर लाइन जा रही है, जो यहाँ पर बुद्ध रेखा की लाइन जो है, बुद्ध रेखा जो ये रेखा है शो करती है बिजनेस की क्वालिटी, बाघ शक्ति, हेल्थ लाइन, शरीर कैसे रहेगा ये शो करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बना है दोस्तों इस एरिया पर, तो ये शो करता है मनी को, मनी ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं, जिसके कारण लाइफ में पैसा बहुत मिलेगा जो मिल रहा है ऑलरेडी इनकी लाइफ में। दोस्तों जितने एनालिसिस हो सकता था इस बुरे पिक्चर से, पिक्चर बहुत ही बुरा था तो मैंने कर दिया। अगर आपको सही अच्छा पिक्चर मिलता है आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं और भी बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे फिंगरप्रिंट भी समझाना था लेकिन अब मैं यहाँ पर लूप भी समझना था जो मैंने यहाँ पर पिक्चर में देखा नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छे से समझा नहीं पाया दोस्तों। तो इनकी लाइफ में जुपिटर बहुत मेजर रोल प्ले किया है इनकी लाइफ में, आप लोग देख सकते हैं जो 91 से स्टार्ट होगा हुआ होगा उनकी फर्स्ट फिल्म, और जो वहाँ से लक लाइन चली वो भी बहुत शो करता है इनकी लाइफ में। राहु एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है इनकी लाइफ में, क्योंकि राहु जब मेहरबान होता है दोस्तों तो सब कुछ मिलता है, जुपिटर जब बकरी में हो तब भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है क्योंकि वो तो उस घर का रिजल्ट देगा उससे तो पीछे घर का भी रिजल्ट देगा। सामाओ इनकी लाइफ में जुपिटर 11 हाउस में बैठा होगा, जिसके कारण करियर में इनको जो बैक लाइफ है 10 हाउस का बेनिफिट इनको मिला है लाइफ में। तो कि दोस्तों वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए, एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वेबसाइट से अगर बढ़िया पिक्चर मिले ज़रूर मुझे फेसबुक पे सेंड करना जो मैंने नीचे लिंक दे दिया है वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।